देखो सर, ये शेखुल आलम का जो चश्मा है, इस पे जो है हमारे 2004 में जो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम दी गई थी पानी पीने के लिए, पानी ये पानी बेसिकली हमारे आबा अजदाद के 100 साल 150 साल पुराना दर्ज था उनके नाम पे। तो फिर जब हमारा मसला ये हुआ कि हमें पानी पीने के लिए सूख गया, नहीं मिला, तो हमने 2004 में एक एहतजाज किया और गवर्नमेंट ने हमें जो पानी है पीने के लिए जो दिया, इसी स्प्रिंग इसी चश्मे से पानी दिया। इस चश्मे का फंडा ये है कि ये चश्मा जो निकलता है इसमें एक साइड से पानी जो है एक माले को जाता है, ये माला इस साइड में रहता है, और दूसरी साइड में जो चश्मा है इसका पानी जो है हमारे मौली माला जो है उसके लिए जाता है। लेकिन हमने 2020 साल गंदा पानी खाने के बाद 20 साल के बाद 2024 में हमने जो है इस चश्मे को जो है अपना पाइपों के जरिए कनेक्ट करना किया, लेकिन उसमें हमारी मदद जो है डीओ मुश्ताक साहब जो था उसने हमारी मदद की और पीएचई ने हमें पाइप दिए, और अभी 2024 में हमने जो है यहाँ पर ये पाइपें लगाई और पीने के लिए पानी जो है हम ले गए। तो पानी का मसला ये है कि एक साइड का पानी जो है इधर से निकलता है, क्या कहते हैं इसका, लेफ्ट साइड, दूसरा राइट साइड। लेफ्ट साइड का पानी जो है हमारा पीने के लिए जो था, तो इसमें मसला ये है कि अब यहाँ पर कोई शर पसंद अनासर और कोई जलील बदनसीब जो फिरौन की नस्ल कोई लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने हमारा ये पानी जो है इसमें जो है गंदगी डालना शुरू की और इसको ब्लॉक करना शुरू किया। हालांकि हमारा मसला ये है कि हमने इस पानी के साथ, मतलब इनके सभी लोगों के साथ शेयर किया, हर जो भी स्कूल, चाहे स्कूल हो, कोई मस्जिद हो, दरगाह हो, कोई भी हो, तो हमने किसी को पानी नहीं रोका। लेकिन मसला ये है कि हम थोड़ी दूर रहते हैं, इस वजह से हमारे साथ जो है यहाँ पर बिल्कुल फिरौनी और नमरूदी और यजीदी जो है रोल इनका अदा किया जा रहा है। तो हम ये पानी जो है हमेशा यहाँ से हमें पीने के लिए पानी जाता है और ये पानी हमारा जो है यहाँ पर ब्लॉक किया गया। कल से पानी ब्लॉक किया गया, जो हमने एहतजाज किया, आप मौके पर आए तो डिपार्टमेंट ने बंदे भेजे अपने, और जेई साहब ने फ़ोन किया तो सुपरवाइज़र ने भी फ़ोन किया, उसने बोला कि क्या बात है, हमने बोला इस तरह बात है। तो मसला ये है कि ये पानी जो है हमें बिल्कुल यहाँ पर तंग किया जा रहा है, पानी जो है ब्लॉक किया जा रहा है। ब्लॉक कौन करता है ये अल्लाह जाने, और जाने वो बदनसीब जो करता है वो फिरौन की औलाद। तो मसला ये है कि हम ये चाहते हैं डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट से, कि हमें यहाँ पर ऐसा कोई ज़रिया दिया जाए, ऐसा कोई मसला दिया जाए, ऐसा कोई सॉल्यूशन इसका दिया जाए कि जिससे हमारा दोबारा ये फितना ना हो। क्योंकि आगे को अगर कोई ऐसा फितना हुआ तो यहाँ पर कत्ल व गारत जो है यकीनी है, क्योंकि लोगों को रोकना अब मुश्किल है, क्योंकि ये इनकलाब जो है सर से ऊपर चला गया है, ये इनकलाब ऊँचा हो गया है। अब हम किसी की गारंटी नहीं दे सकते कि कौन रुकेगा, तो अवाम है, अवाम कुछ भी कर सकती है, अवाम कानून को अपने हाथ में ले सकती है। अगर हालात ऐसे रहे, अगर डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसा इसका मसला हल किया तो ठीक है, डिपार्टमेंट का हम वेट करेंगे, डिपार्टमेंट हमारे लिए क्या करेगा। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह पानी को ब्लॉक किया गया है और नीचे जो है पूरा गांव यहां पर इकट्ठा हुआ है, ये लोग आए हुए हैं यहां पर देखने के लिए कि, और यहां पर देखिए आप क्या है, पानी पीने के लिए जाता है और काव डंग एंड यूरिन आप देख सकते हैं कैसे मिक्सड जाता है यहां से। बाकी